आपको मैं सरकारी स्कूल ले चलती हूँ। बचपन में मैं जब अपनी बिटिया को छोड़ने जाती हूँ स्कूल, तो उसके स्कूल के जस्ट सामने एक सरकारी स्कूल है, और मैं हमेशा उसको लेते वक्त थोड़ी देर रुकती हूँ, उन लोगों की छुट्टी होने तक उनको देखती हूँ, क्योंकि वो मेरा बचपन है। मैं जब मेरी उन सरकारी स्कूल की सहेलियों के साथ घर जाती थी, मुझे हमेशा वो रिलेट होता है। ये सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, इसके सामने छुट्टी होने पर कोई बड़ी गाड़ी नहीं रुकती। यहाँ के बच्चे पैदल घर जाते हैं, उन्हें लेने कोई नहीं आता, ना ही वो रास्ते में कहीं खो जाते हैं। स्कूल से घर का रास्ता और रास्ते की पाठशाला, यही किताबों से इतर वो सब जीवन ज्ञान पाते हैं। इनके सपने भी पैदल ही जाते हैं, इनके पीछे पीछे कदम ताल मिलाते हैं। कुछ सपने इनसे आगे भी जाते हैं, कुछ सपने घर तक भी नहीं पहुंच पाते, कुछ सपने ये घर पहुंचने नहीं देते, कुछ सपने ये घर लेकर नहीं जाते, कुछ सपने मार दिए जाते हैं, कुछ सपने खुद मर जाते हैं। कुछ सपनों को सपनों में पाला जाता है, कुछ सपनों को सांचों में ढाला जाता है। कुछ सपने रास्ते से गुजर रही सुंदर फ्रॉक को देख के ठिठक जाते हैं, कुछ सपने हथेलियों की रेखाओं के नीचे दबकर मर जाते हैं। कुछ सपने रात को आंसू पोंछ कर भूखे सो जाते हैं, कुछ सपने कह कहा लगाकर कहीं खो जाते हैं, और कुछ सपने जो जिद्दी होते हैं वो भी इन्हीं स्कूलों से पढ़कर बाहर आते हैं। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ सपने पैदल घर जाते हैं। एक और है छोटी सी, ये थोड़ी सी लव वाली पोएट्री है। जब हम अपने बीलव्ड के साथ बैठते हैं और सनसेट का वो समय जब झील के किनारे पर, झील के अंदर जब सूरज अस्त होता हुआ दिखता है, पूरा केसरिया माहौल होता है, अंधेरा बस होने को होता है। शाम का मंजर मैं और तू और बहता दरिया, शाम का मंजर मैं और तू और बहता दरिया, कश्ती माझी उड़ते पक्षी बहता दरिया। शाम का मंजर मैं और तू और बहता दरिया, दूर क्षितिज पर डूब रहा है सूरज फिर से, दूर क्षितिज पर डूब रहा है सूरज फिर से, फिर से मौन विदाई देता बहता दरिया।